एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। नेमत खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए लॉकडाउन के इस समय में कुछ खट्टे मीठी चीज़ें बनाते हैं जो कि आपके मूड को बढ़िया बना दे। तो यहाँ पर मैंने गुड़म्बा बनाने की रेसिपी शेयर की है, आप देखें कितनी आसानी से बन जाता है। और यहाँ पर कोई सेट रूल के हिसाब से मैं गुड़म्बा नहीं बना रही हूँ। इस लॉकडाउन के समय आपके पास जितने मसाले हैं और जो कुछ भी है, सिर्फ अगर गुड़ और आम है तो आपकी ये चटनी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो मेरे साथ बने रहें, इंग्रेडिएंट नोट करें और स्टेप्स को फॉलो करें। गुड़म्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम आम लिया है। आम अभी बहुत टेंडर है और इसकी गुठलियाँ अभी बिल्कुल कच्ची हैं, इसे कोयल कहते हैं। और इसको भी बर्बाद नहीं करना, अगर इसे पीस कर लगातार लगाया जाए तो बालों का रंग नेचुरली काला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी बारीक फांके काट ली हैं और ध्यान से इसे धो पोछ कर काटना है। और मैंने इसे दबा दबा कर छीला है ताकि इसका हरा कलर निकल जाए। अब ये रेडी है गुड़म्बा बनने के लिए। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और उसमें 1 टीस्पून प्योर घी डाला है। आप यहाँ पर बटर डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, कुछ भी अपनी पसंद का डाल लें या नहीं भी डालें तो काम चलेगा। मगर थोड़ा सा घी या बटर डालने से गुड़म्बे में थोड़ा ग्लेज आता है, चमक आता है और देखने में अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून घी डाला है। अब घी में हम थोड़ा सा बघार डालेंगे ताकि गुड़म्बा हमारा जो है वो थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए, थोड़ा सा इन खुशबूदार मसालों से इन्फ्यूज़ हो जाए और थोड़ा सा उसमें मिर्चों की किक आ जाए, थोड़ी सी स्पाइसीनेस आ जाए। तो लौंग, इलायची और 5-6 लाल मिर्ची, बस इतना ही डालना है और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म कर लेना है। हमें गुड़म्बे में इनका लाल हरा रंग दिखना चाहिए, ज़्यादा इसे जलना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सिमसिमाने लगा है और बस मुझे इतना ही चाहिए। अब यहीं पर हम इसमें कटी हुई आम की फांके डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चला करके पका लेना है ताकि थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें सोंधी सी खुशबू आ जाए। अभी लॉकडाउन के समय जब सब्जियां नहीं मिल रही हैं या बहुत कम मिल रही हैं या मनपसंद की नहीं मिल रही हैं तो इस तरह का गुड़म्बा बनाकर तैयार कर लेना बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी सब्जी भी हो जाएगा, आपका डेजर्ट भी हो जाएगा और आप इसे इंजॉय भी करेंगे। चलिए तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि आम हमारा अच्छी तरह से गल जाए। हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, लगभग 300 ml। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए हम आंच धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर इसे लगभग 80% तक गला लेंगे। अब गुड़म्बा को मीठा करने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1/2 kg गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ हम आम के खट्टापन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा खट्टा आम है तो ज़्यादा गुड़ चाहिए और अगर थोड़ा कम खट्टा है तो 300-400 ग्राम से भी ये मीठा हो जाएगा। हमने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है। यहाँ पर ये मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने पसंद के हिसाब से मिठास डालें, गुड़म्बे में गुड़ तो ढेर सारा होना चाहिए ताकि खट्टा मीठा लगे। तो अब देखते हैं कि आम का कंडीशन क्या है, ये कैसा गला है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह गल चुका है, देखिए। और मुझे बिल्कुल इसी तरह का गला हुआ आम चाहिए था। तो इसको हल्का सा दबा लेना है क्योंकि मीठा डालने के बाद आम गलता नहीं है। जितना कुछ भी आपको गलाना है या सॉफ्ट करना है आप यहीं पर उसे गला सकते हैं। और ये मिर्चें भी इसमें काफ़ी कमाल करती हैं, ये ज़बान को
तीतापन तो नहीं देती मगर एक बहुत अच्छी सी खुशबू और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देती हैं। और ये जितना पुराना होगा इसका टेस्ट उतना इन्हांस करेगा। तो इन मिर्चों को ज़रूर तो आप डालें। गुड़ डाल देना है और गुड़ को पिघलने का इंतज़ार करना है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 5 मिनट तक ढक कर पकाने के बाद गुड़ बिल्कुल गल चुका है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी ये आम की जेली या गुड़म्बा या अंगूड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मुझे इसे इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है। इसे मुझे चाट के साथ और पकौड़ियों के साथ भी सर्व करना है और ये फ्रिज में हमारे कम से कम 1 महीने तक तो पड़ा ही रहेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब ये ठंडी हो जाती है तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अब फ्लेम को कर दें बंद और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब गुड़म्बा ठंडा हो जाए आप इसे साफ़ सुथरे धुले हुए कांच के जार में स्टोर कर लें और इसे अपने डाइनिंग टेबल पर ही रखें। ये हफ्तों ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में तो ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से आप इस गुड़म्बे को बनाएं और इसका टेस्ट बदलना चाहें तो इसमें ड्राई पुदीना पत्ते का पाउडर डालें, इसमें केवड़े का एसेंस डाल सकते हैं, इसमें 5 फोड़न डालकर इसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा।